Assalamu alaikum and welcome to office.com.pk. Chapter number 1, continue overview of computer system. Last video में हमने discuss किए थे application software, जिसमें हमने कहा था कि application software ऐसे software होते हैं जो particular requirements के according बनाए जाते हैं, जिसमें हमने पहला productivity software discuss किया था, यानी ऐसे software जो human being का या लोगों का काम आसान कर दे या उससे बेहतर रिजल्ट्स जनरेट हों, उसको प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल देखी थी एमएस ऑफिस की, जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं, स्प्रेडशीट के थ्रू काम कर सकते हैं, एक्सेल पे काम कर सकते हैं और ह्यूमन वर्क को इफेक्टिवली यूज करते हुए रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आज हम जिन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, वो है बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर इज यूज टू रन बिजनेस एक्टिविटीज, इट हेल्प्स इन efficiently running business functions of a company. For example, of business software are payroll, accounting, inventory and retail software. यानी आप किसी सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बिजनेस में यूज होता हो। जैसे बिजनेस में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें पेरोल चाहिए होते हैं, अकाउंटिंग चाहिए होती है, इन्वेंट्री चाहिए होती है, रिटेल सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। यानी एक हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो ऑटोमेटिकली पेरोल जनरेट कर दे, आपको हर एक की पे स्लिप बनाने की जरूरत ना पड़े, हर मंथ के एंड पे वो जनरेट कर देगा किस एम्प्लॉय की क्या पे स्लिप है। इस तरह अकाउंटिंग का काम खुद ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर दे कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितना फंड्स आया, कितना गया, ये सब ऑटोमेटिकली किया जा सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बिजनेस सॉफ्टवेयर के थ्रू। आप ऐसी रिक्वायरमेंट्स दें अपने प्रोग्रामर्स को, यूज़र की ये डिमांड है और वो जनरेट कर देंगे इस तरह के सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर इज यूज टू इंटरटेन पीपल, इट इंक्लूड्स गेम्स, ऑडियो वीडियो प्लेयर। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, ऐसी एप्लीकेशंस बनाई गई हैं जिससे आप पीपल्स को, लोगों को इंटरटेन कर सकते हो। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपकी गेम्स, आपके म्यूजिक प्लेयर्स, आपके वीडियो प्लेयर्स जो इंटरटेनमेंट के काम आते हैं। ये सब एप्लीकेशंस हैं, ये सब यूज़र की डिमांड पे बनाई गई हैं। जैसे व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप एक यूज़र एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्यों बनाया गया है, ताकि लोग आपस में चैट कर सकें, बात कर सकें, कनेक्टिविटी कर सके दुनिया के किसी भी कोने से। तो बेसिकली वो रिक्वायरमेंट पूरी गई है कि इस तरह का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए काम आए। तो हमारे पास इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी इसी तरह के होते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ गेम्स बनाते हो ताकि लोग इंटरटेन हो, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स। तीसरे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का। इट इज़ यूज फॉर लर्निंग पर्पस, जैसे इसके नाम से ही वाजे है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ऐसे भी सॉफ्टवेयर बनते हैं जिसके थ्रू आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम दैट टीच अबाउट ह्यूमन बॉडी, वर्किंग ऑफ इंजन, सोलर सिस्टम, टाइपिंग, फॉरेन लैंग्वेज, म्यूजिक, सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। अब ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते कैसे हैं, यानी आप फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहती हूँ जिससे उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आने लगे, वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ। तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर बनाऊँगी, उसमें इंटरफेस बनाऊँगी कि मेरे यूज़र वहाँ जाएँ, अपना नाम बताएँ, अपना रोल नंबर बताएँ और रजिस्टर्ड हो जाएँ। उसके बाद वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेक्शन में जाएँ और सीखें कि क्या क्या प्रोग्रामिंग में चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह हर टीचर या हर एजुकेशनिस्ट अपने अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट के लिए कोई भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बना सकता है, मैथ्स वाले मैथ्स के लिए, फिजिक्स वाले फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री के लिए। अगर आप लोगों ने ई लर्निंग का नाम सुना हो, बेसिकली ई लर्निंग टूल्स अवेलेबल होते हैं। अब हमें बुक्स की ज़रूरत नहीं है, और मैं अगर बहुत एडवांस कहूँ टेक्नोलॉजी की, तो हमें टीचर्स की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम ऐसे टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो हमें टीचर की जगह सिखाया करेंगे कि सब्जेक्ट में, टॉपिक्स में हो क्या रहा है। जैसे मैं एक ऐसा एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाऊं जो आपको एडिशन करना सिखाए, छोटे बच्चों को एडिशन टीचर सिखाता है ना, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो टूल बनाए जो एडिशन सिखाए बच्चों को, जो बच्चों को ABC सिखाए। ऐसे सॉफ्टवेयर्स कह लें, एजुकेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इतने हाई लेवल पे पाकिस्तान में नहीं है, बाहर के मुल्क में, या अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करें तो ऐसी बहुत से टॉयज में, बुक्स में या तो लैपटॉप्स में एप्लीकेशंस बनाई गई हैं जिससे बच्चों की लर्निंग की जा रही है। चाहे वो स्कूल अभी जा भी नहीं रहे, 3 to 4 ईयर्स के जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते, उनको घर में लर्निंग के लिए
आप ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो. सो दीज आर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर दैट आर यूज इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड वाइड टू एजुकेट पीपल विदाउट हैविंग बुक्स और विदाउट हैविंग टीचर्स. सो दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस सॉफ्टवेयर. बेसिकली इट्स वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर. वी कैन लर्न एंड अर्न इन अवर डेली लाइफ टू. एंड इसके अलावा हम इनके बारे में सुना भी जाता है. पाकिस्तान में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी अवेयरनेस पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक है. कुछ इलाकों में, पूरे पाकिस्तान में नहीं, लेकिन है. तो आज के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू और अल्लाह हाफिज़.